हेलो मिस्टर मलिक। हेलो इंस्पेक्टर बख्शी। आप और यहाँ? अब क्या करें, ये केस ही कुछ ऐसा है, सारे रास्ते आपके पास आके रुक जाते हैं। क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है मिस्टर मलिक। अब देखिए, डॉक्टर प्रताप का कत्ल हुआ, उनका नाम वसीयत में था। उसके बाद मिस्टर सिंघल को मार डाला गया, उनका नाम भी वसीयत में था। ये कातिल उनके ही खून क्यों कर रहा जिनके नाम वसीयत में है? आपको ऐसा नहीं लगता ये किसी की साजिश है? इंस्पेक्टर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक महज इत्तेफाक है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कोई एक एक करके इनका कत्ल कर रहा है। नो इंस्पेक्टर, नो। मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हैं। हो सकता है, लेकिन कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये सच है। तो अगर कातिल एक एक करके उन लोगों को मार डालता है जिनके नाम इस वसीयत में हैं, तो ये सारी दौलत किसको मिलती है? जाहिर है, ये एक ट्रस्ट को जाएगी। ट्रस्ट को? इंटरेस्टिंग। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस ट्रस्ट का ही एक आदमी ये सारे खून कर रहा हो, कि ये दौलत उसे मिल जाए। 30 करोड़ एक ट्रस्ट को मिले, ये बहुत बड़ी रकम है मिस्टर मलिक। यस, दैट इज इट। इंस्पेक्टर, आप कहानी बहुत अच्छी गढ़ लेते हैं, पर आप जो सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। आई थिंक यू आर रॉन्ग। आई थिंक आई एम नॉट। मिस्टर मलिक, आप मुझे उस ट्रस्ट का नाम और पता देंगे प्लीज? इंस्पेक्टर बख्शी, उस ट्रस्ट का चेयरमैन मैं हूं, मैं, और सिर्फ मैं जानता हूं उस वसीयत के बारे में, समझे? आई सी। मिस्टर मलिक, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं कि ये सारे खून मैं करवा रहा हूं? ये फैसला तो कोर्ट करेगी मिस्टर मलिक। आई वाज जस्ट थिंकिंग बिट लाउड। मोटिव वैसे आपके पास भी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 30 करोड़ के मालिक बन जाएंगे आप।
हेलो। हाय ब्यूटीफुल, फिल्म कैसी लगी? कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानती? बहुत अफसोस की बात है कि तुम अपने चाहने वाले को नहीं पहचानती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह। देखो देखो, तुम अपना नाम बता दो मुझे, वरना वरना मैं फोन रख दूंगी। नाम में क्या रखा है मेरी जान, वैसे मैं जो भी हूँ तुम्हारे आस पास ही हूँ, शायद तुम्हारे पीछे, शायद तुम्हारे किचन में या फिर बाथरूम में या फिर तुम्हारे बेडरूम में। तुम झूठ बोल रहे हो। ना ना, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं तो फिर खुद ढूंढ लो, मैं तो बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? घर पे तो कोई भी नहीं है। देखो, मुझे अभी घर के बाहर जाना है और मैं फोन बंद कर रही हूँ। ना ना, ऐसी गलती मत करना। हो सकता है मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। तुम क्यों बार बार झूठ बोल रहे हो? तो बाहर आकर देख लो। पर तुम सामने क्यों नहीं आ रहे? आऊंगा आऊंगा, ऐसे भी क्या जल्दी है। जितनी देर मैं तुम्हारे सामने नहीं आता उतनी देर तुम जिंदा हो। अगर सामने आ गया तो तुम्हें मुझसे बचाएगा कौन? इसका मतलब है तुम ऐसे नहीं मानोगे? हाँ, मैं अभी पुलिस में फोन करती हूँ। कोई फायदा नहीं, जब तक पुलिस यहाँ पहुंचेगी तब तक तुम वहाँ दूर जा चुकी होगी। देखो देखो, तुम जब यहाँ हो ही नहीं तो मुझे क्यों डराने की कोशिश कर रहे हो? अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए, ये लो। मैं तुम्हें मारना ही नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, मजबूर। इसके सिवा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं। हाँ, एक एहसान कर सकता हूँ, तुम्हें ऐसे मारूंगा कि बिल्कुल दर्द नहीं होगा, बड़े ही प्यार से मारूंगा, प्रॉमिस। धीरे धीरे गला रेत रेत कर मारूंगा तुम्हें। हेलो हेलो हेलो, हाँ जानवी, मैं बोल रही हूँ एंजेला। जानवी, तुमने ठीक कहा था, वो आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जानवी, वो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। कौन? एंजेला, किसकी बात कर रही हो तुम? वही जिसका तुम नाम ले रहे थे जानवी, वो क्या? हाँ, वो मलिक, शायद मलिक का आदमी होगा। जानवी, प्लीज डू समथिंग। जानवी, देखो एंजेला, तुम रिलैक्स करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम मेरे घर चली आओ, अभी आ जाओ। नहीं नहीं जानवी, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, पता नहीं शायद वो मेरे घर के बाहर ही खड़ा हो। जानवी, प्लीज तुम मेरे पास आ जाओ। ओके, रिलैक्स एंजेला, मैं अभी वहां आती हूँ, रिलैक्स। ओके, sorry I'm out right now, but if you want to get in touch with me, leave a short message after a long beep. Thanks, bye bye. Oh God, Karan, जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है तुम घर पर नहीं होते हो। जब भी तुम्हें ये मैसेज मिले तुम फौरन एंजेला के घर पहुंचना, उसकी जान को खतरा है, मैं वहीं पर जा रही हूँ।
You've reached the residence of Ranveer Singh. I'm unable to take your call right now, but if you leave your name and number, I'll get back to you ASAP. Nahi samjhe? As soon as possible. Hi Ranveer, this is Janvi. Jab bhi tumhe ye message mile, tum foran Anjala ke ghar pahunchna. Uski jaan ko khatra hai. Main wahi par ja rahi hu. हेलो, कितना मजा आ रहा है तुम्हें तड़पता देखकर। देखो देखो तुम जो भी हो ना, एक बात समझ लो, मैं घर में अकेली नहीं हूँ। मैंने अपनी फ्रेंड को फोन कर दिया है और वो बस 5 मिनट में वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। रियली? लेकिन अफसोस, वो तुम्हें जिंदा नहीं देख पाएगी। हाँ? क्योंकि मैं अंदर आ रहा हूँ। हेलो, सुनो, Oh!
एंजेला एंजेला